ओके सो गाइस कैसे हो आप सभी। तो आज के इस वीडियो में कुछ इस टाइप का हैप्पी बर्थडे स्पेशल वीडियो सिखाने वाला हूं। अगर आप अपने खुद के पिक को एडिटिंग करोगे तो गाइस काफी अमेजिंग लगने वाली है। तो गाइस वीडियो स्टार्ट करने से पहले आपको करना क्या है, वीडियो को लाइक और चैनल सब्सक्राइब और सब्सक्राइब चैनल बेल आइकन को प्रेस कर देनी है। तो गाइस वीडियो में जो जो मटेरियल यूज होने वाले है लिंक डिस्क्रिप्शन, वहां से आप जाकर डायरेक्टली डाउनलोड कर सकते हो। तो गाइस वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो गाइस प्लस वाले आइकन पर क्लिक करके 9x सेटिंग का साइज ओपन कर लेनी है। फिर कैसे आपको मीडिया वाला ऑप्शन पर क्लिक करके आपको जो जो पिक को इंपोर्ट कर लेनी है, काइनमास्टर के अंदर इंपोर्ट कर लेनी है जो जो पिक को एडिटिंग करनी है। तो गाइस मैं 15 सेकंड या फिर 30 सेकंड का फोटो इंपोर्ट कर लेनी है यहाँ पे। तो गाइस यहाँ पे इंपोर्ट हो चुकी है। इंपोर्ट करने पर फिर कैसे आपको करना क्या, सिंपली यहाँ पे ये पिक पे क्लिक करना, लेयर वाले ऑप्शन पे क्लिक करने के बाद गाइस आपको पैन एंड जूम वाले ऑप्शन पे जाके इसको अच्छी तरह से परफेक्टली सेट कर देना है। सारे पिक को ऐसे ही परफेक्टली सेट कर लेना है। तो भाई मैं जल्दी जल्दी सेट कर लेता हूँ ताकि आपका ज़्यादा टाइम वेस्ट ना हो। तो गाइस यहाँ पे सेट हो चुके हैं, एक और पिक है। सेट होने के बाद गाइस सिंपली से टिक कर लेना। टिक करने के बाद गाइस फिर आपको करना क्या, लेयर वाला ऑप्शन पे क्लिक कर क्लिप ग्राफिक्स पे जाना है। क्लिप ग्राफिक्स पे जाने के बाद समर वैकेशन वाले इफेक्ट को ऐड कर लेनी है। तो गाइस ये डाउनलोड कैसे होएगा, तो गाइस नीचे खिसकाना है, गेट मोड वाले ऑप्शन पे क्लिक करना है, इंटरनेट ऑन रहना चाहिए, आपको स्टाइलिस वाले ऑप्शन पे जाना है। इस पे आपको समर वैकेशन पहले रीड कर लेना है, अच्छी तरह से देख लेना है कहाँ पे वो इफेक्ट। फिर ट्रैवल वाले ऑप्शन पे जाके आपको ये समर वैकेशन यहाँ पे इंस्टॉल करना है, इंस्टॉलेड है। तो गाइस सारे पिक में एक एक करके आपको क्लिप ग्राफिक्स लगा लेनी है कुछ इस तरह से लगा लेनी है जैसे मैं लगा रहा हूँ। सो गाइस फिर आपको जल्दी जल्दी लगा लेता हूँ ताकि आपका टाइम ज़्यादा वेस्ट ना हो। सो गाइस तो यहाँ पे लग चुके हैं सारे समर वैकेशन इफेक्ट। लगने के बाद फिर आपको करना क्या है, सिंपली टिक वाले ऑप्शन पे क्लिक करके सिंपली टिक कर लेना। फिर क्या आपको करना क्या है, एक बार वीडियो प्ले करके देख लेना कैसा इफेक्ट ऐड। फिर क्या आपको करना क्या है, वीडियो प्ले करने के बाद आपको करना क्या है, यहाँ पे पिक वाले लेयर पे क्लिक करना है, सारे पिक का विगनेट ओपन कर लेनी है। विगनेट वाले ऑप्शन पे जाके विगनेट ओपन कर लेनी है। तो गाइस मैं जल्दी जल्दी विगनेट ओपन कर लेता हूँ ताकि ज़्यादा टाइम वेस्ट ना हो आपका। तो गाइस यहाँ पे सारे पिक का विगनेट ओपन हो चुके हैं। फिर गाइस आपको सिंपली टिक वाला ऑप्शन पे क्लिक करके टिक कर लेना, फिर माइनस वाला ऑप्शन पे क्लिक कर लेनी है। गाइस आपको यहाँ पे जो जो इफेक्ट ऐड करना होगा इफेक्ट ऐड कर सकते हो। तो गाइस फंड वाले ट्रांजेक्शन वाले जाके ये मैनी सर्कल वाले ऑप्शन को ऐड कर लेना, या फिर स्टार वाइज मैनी सर्कल इफेक्ट ऐड कर ले रहा हूँ। फिर माइनस वाला ऑप्शन, सेकंड माइनस वाला ऑप्शन पे क्लिक करके कोई और आप ऐड कर सकते हो, एग्जांपल सेकंड ऐड कर लेना, डाउनलोड कर लेना, ये सब सारे नेम रीड करके। तो गाइस मैं नेक्स्ट वीडियो में बता दूंगा सारे इफेक्ट को डाउनलोड कैसे करना होगा। तो गाइस आपने हमारा इंस्टा आईडी को फॉलो नहीं किया अभी तक तो इंस्टा आईडी को फॉलो कर दो, वीडियो को लाइक नहीं किया तो वीडियो को लाइक कर दो, चैनल को सब्सक्राइब कर दो, बेल आइकन को प्रेस कर दो क्योंकि हमें लेटेस्ट वीडियो को नोटिफिकेशन आप पे जाता रहेगा। तो गाइस फिर माइनस वाले ऑप्शन पे क्लिक करेंगे, फिर गाइस आपको ये सब इफेक्ट ऐड कर लेना होगा बुक मोर में। बुक मोर में ऐड करने के बाद फिर गाइस आपको माइनस वाले ऑप्शन पे क्लिक करना होगा, फिर आपको क्या करना है ये सब इफेक्ट ऐड कर लेना है, स्टार वाइप ऐड करने और फिर गाइस एक और माइनस वाले इफेक्ट ऐड करनी है, इसमें गोल्ड लाइट वाले इफेक्ट को ऐड कर लेना, फर्स्ट वाले पे क्लिक करके ऐड कर लेना। ऐड करने के बाद गाइस आपको फिर करना क्या है, सिंपली टिक कर लेना है, और गाइस आपको करना क्या है, इस सारे पिक का लेयर छोटा कर लेना, मीडियम में छोटा सारे पिक का लेयर कर लेनी है कुछ इस टाइप का। छोटा लेयर करने के बाद गाइस आपको मैं आगे बताता हूँ, पहले आप लेंथ छोटा कर लेना लेयर का। तो यहाँ पे लेयर का लेंथ छोटा हो चुका, सिंपली टिक कर लेनी है। फिर क्या आपको करना है, कैसे है वाला ऑप्शन पे क्लिक करके इसको एक्सपोर्ट कर लेंगे। इस वीडियो को एक्सपोर्ट होने के बाद कर मैं आपको बताता हूँ आगे करना क्या। आपका वीडियो एडिटिंग नहीं हुई है कंप्लीट तो गाइस वीडियो पे बने रहो, और आप हमारे चैनल पर नहीं हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर दो। Thank you.
एक्सपोर्ट एक्सपोर्ट हो चुकी है। फिर आपको बैक कर लेनी है, बैक एंड प्लस वाले आइकन पर क्लिक करके 9.6 साइज ओपन कर लेनी है। फिर मीडिया वाला ऑप्शन पर क्लिक कर लेनी है। फिर आपको डाउनलोड वाला ऑप्शन पर जाके आपको एक वीडियो ये हैप्पी बहुत अड्डा वीडियो मिल जाएगा, वीडियो डिस्क्रिप्शन में लिंक डाउनलोड कर लेना है। इसका थोड़ा 4 सेकेंड का कर लेना है। 4 सेकेंड करने के बाद गाइस फिर आपको करना क्या है, थोड़ा और छोटा कर लेना 4 सेकेंड का। अच्छी तरह से कर लेने के बाद गाइस आपको मीडिया वाला ऑप्शन पे क्लिक कर लेनी है। और जो आपने वीडियो अभी एक्सपोर्ट किया है वो आपको वीडियो इम्पोर्ट कर लेनी है कैनमास्टर के अंदर। इम्पोर्ट करने के बाद गाइस आपको डबल आ गया सॉरी एक कट कर लेना है। फिर आपको करना क्या है, लेयर ये वीडियो का लेयर वाले ऑप्शन पे क्लिक करके विगनेट ओपन कर लेनी है। यहाँ पे विगनेट वाले ऑप्शन पे क्लिक करके विगनेट ओपन कर लेनी है। ओपन करने के बाद गाइस आपको करना क्या है, सबसे टिक वाले ऑप्शन पे क्लिक करके टिक कर लेनी है। फिर गाइस आपको ऑडियो ऐड करना होगा, यहाँ से ऑडियो ऐड कर सकते हो। फिर गाइस आप देख सकते हो कितना ऑसम तरीके से वीडियो एडिटिंग हो रही है। फिर गाइस आपको करना क्या है, सिंपली यहाँ पे क्लिक कर लेनी है। क्लिक करने के बाद डुप्लीकेट लेयर ले लेनी है। लेने के बाद जब करना क्या है, इसको आप अपने हिसाब से अच्छी तरह से जूम में या फिर छोटा कर सकते हो परफेक्टली। सेट करने के बाद गाइस आपको फिर करना क्या है, लेयर वाले ऑप्शन पे क्लिक करेंगे, इफेक्ट वाले ऑप्शन पे जाके आपको फर्स्ट इफेक्ट ऐड कर लेनी है कैनमास्टर के अंदर। इफेक्ट ऐड करने के बाद गाइस आपको फुल साइज कर लेनी है, फुल लेंथ कर लेनी है वीडियो के। फुल लेंथ करने के बाद स्टार्टिंग वाला ऑप्शन पे जाके यहाँ पे स्टार्टिंग वाला ऑप्शन पे जाके गाइस इसका पहले फुल साइज करने के बाद स्टार्टिंग वाला ऑप्शन पे जाके 5.6 माइनस प्लस कर लेनी है। प्लस करने के बाद गाइस आपको ट्रिपल डॉट पे क्लिक करके पैन टू बैक कर लेनी है। सो गाइस आप देख सकते हो तो कितनी ऑसम तरीके से हो चुकी है एडिटिंग हो रही है फिर लेयर वाला ऑप्शन पे क्लिक करके मीडिया में जाएंगे। फिर गाइस आपको करना क्या है, आपको ये एक हैप्पी बर्थडे का कैंडल लगाना होगा। सो गाइस यहाँ पे कैंडल लगा लेनी है। नीचे घिसकाना है ब्लेंडिंग वाला ऑप्शन पर क्लिक करके सिंपली इसको स्क्रीन कर लेनी है। स्क्रीन करने के बाद गाइस आपको करना क्या है, टिक कर लेना है। फिर गाइस इसका लेंथ आपको बड़ा कर देना है। लेंथ बड़ा करने के बाद यहाँ पे कट वाले ऑप्शन पर क्लिक करके स्ट्रेम कर लेंगे, कैची वाले ऑप्शन पर क्लिक करके। फिर गाइस आपको इसको अच्छी तरह से परफेक्टली नीचे के साइड जूम करके सेट कर लेना होगा। अच्छी तरह से जूम कर लेंगे पहले गाइस, जूम करने के बाद गाइस अच्छी तरह से सेट कर लेंगे। फिर गाइस आपको करना क्या है, लेयर वाले ऑप्शन पे क्लिक करके मीडिया में जाएंगे। मीडिया में जाने के बाद गाइस आपको ये थोड़ा फर्स्ट वाले हैप्पी बर्थडे का पीएनजी ऐड कर लेना है। कलर एडजस्टमेंट में जाना है गाइस आपको, फिर प्लस कर लेना फर्स्ट वाले लाइन को। प्लस करने के बाद गाइस इसका लेंथ बड़ा कर लेना, वीडियो को फुल लेंथ का साइज कर लेना है। करने के बाद गाइस आपको करना क्या है, इसको ऊपर की तरफ अच्छी तरह से परफेक्टली सेट कर लेना होगा। थोड़ा बहुत टर्न करके अच्छी तरह से परफेक्टली सेट कर देना होगा। सेट करने के बाद गाइस आपको फिर करना क्या होगा, एक वीडियो प्ले करके देख लेना वीडियो कैसी हो रही है। फिर गाइस लेयर वाले ऑप्शन पे क्लिक करके मीडिया में जाएंगे। फिर गाइस आपको करना क्या है, यहाँ पे डाउनलोड वाला ऑप्शन पे जाकर आपको फर्स्ट कलर इफेक्ट लगा लेना है। स्प्लिट स्क्रीन में जाकर फुल स्क्रीन करने के बाद ब्लेंडिंग वाला ऑप्शन में जाकर सिंपली स्क्रीन कर लेना। फिर गाइस आपको टिक कर लेना। फिर गाइस आपको करना क्या, लेयर क्लिक करके मीडिया में जाना है। फिर गाइस आपको एक कलर इफेक्ट वीडियो डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा, डाउनलोड कर लेना फुल स्क्रीन करके। स्प्लिट स्क्रीन में जाके ब्लेंडिंग वाला ऑप्शन डायरेक्ट जाके सिंपली स्क्रीन कर लेना होगा। तो यहाँ पे ऐड हो चुकी है, आप देख सकते हो वीडियो कितने ऑसम तरीके से यहाँ पे कलर इफेक्ट ऐड हो चुके हैं। फिर गाइस आपको करना क्या होएगा, सिंपली ऑडियो वाला ऑप्शन पे जाके आपको फोल्डर वाला ऑप्शन पे जाकर एक म्यूजिक डाउनलोड कर लेना होगा। ट्रिपल डॉट वाले डाउनलोड पे क्लिक करके आपको फर्स्ट वाले म्यूजिक को ऐड कर लेना होगा। सो गाइस यहाँ पे देख सकते हो कि हाय रे तेरे हैप्पी बर्थडे ते, हाय रे तेनु हैप्पी बर्थडे नी, हाय रे तेरे हैप्पी बर्थडे ते, हाय रे तेनु हैप्पी बर्थडे नी। बॉर्डर ऐड करने के लिए गाइस आपको सिंपली लेयर वाला ऑप्शन पे क्लिक करके मीडिया में जाना होगा। मीडिया में जाने के बाद गाइस फिर आपको करना क्या होगा, डाउनलोड वाला ऑप्शन पे जाके आपको एक बॉर्डर ऐड कर लेना, जो वीडियो का डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दूंगा मैं, डाउनलोड कर लेना। स्प्लिट स्क्रीन में जाकर फुल स्क्रीन करने के बाद इसका लेंथ बड़ा कर लेना है। फिर गाइस आपको शेयर वाला ऑप्शन पे क्लिक करके शेयर कर लेना। सो गाइस अपनी तक हमारे वीडियो को लाइक नहीं किया तो वीडियो को लाइक कर दे।